तो गाइस देखो, आज मैं आया हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा, और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये स्टेशन है। हमारी ट्रेन थी जम्मू मेल से, तो गाइस आप देख सकते हैं यात्रा कार्ड लेने के लिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, जबरदस्त भीड़ है। ये देखो, ये जो सामने दो बंदे आपको दिख रहे हैं ब्लैक टी शर्ट में और वाइट शर्ट में, ये दोनों साथ के बंदे हैं। मैंने अपना यात्रा कार्ड ले लिया है और ये भाई बंधु यहाँ पे लगे पड़े लाइन में, आपको दिखाता पूरा यात्रा कार्ड। गजब की भीड़ है भाई। कुलदीप और रविंदर, अब चलो आप लोग एंट्री गेट पे मिलके मैं आगे का व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस देखो, हम लोग ना एंट्री गेट पे पहुंचने वाले और हालत अभी से ख़राब हो गई, और सामने जो आपको ऊपर टीला दिख रहा है वो आपका अर्धकुमारी है। अर्धकुमारी है वो, आई डोंट नो, बस भगवान के अंदर बिलीव करना चाहिए। नीचे भीड़ नहीं है, एंट्री गेट यही है ना? हाँ, यही है। लाइन लग रही है वो, देखो गाइस ये आपका एंट्री गेट है, जो यहाँ पे आपको लाइन आपकी दिख रही है, ये लाइन है। अब हम लोग अभी ये नीचे जो आपको लाइन दिख रही है ना, हम लोग नीचे ही जाएंगे पूरा घूम के। चलो एंट्री गेट पहुंच के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस देखो, फाइनली हम लोग एंट्री गेट पे आ चुके हैं, जा रहे हैं अंदर। बहुत लंबी लाइन है। बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस एंट्री गेट पे, बस जाए जा रहे हैं। धूप बहुत हो रही है, यहाँ चेकिंग होगी। तो गाइस देखो, फाइनली हम लोग एंट्री गेट से अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग ऐसी चढ़ाई स्टार्ट होने वाली है। ये रास्ता है, यहाँ लिखा है नया रास्ता ताराकोटा मार्ग, नहीं मालूम कौन सा रास्ता नया रास्ता ताराकोटा मार्ग वाला। बस अब लोग जा रहे हैं हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करने। वो जो आपको दिख रहा है ना सबसे ऊपर, वो आपका अर्धकुंवारी है। मुझे यहाँ जाना 7 किलोमीटर है, पैदल जाना है। चलो ठीक है, एक बार गाइस सभी कमेंट में लिख देना जय माता दी, और जो वीडियो बनाया है भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर लिखना जय माता दी एंड जय माता वैष्णो की। तो गाइस देखो, हम लोग यहाँ पे बाढ़ गंगा आ चुके हैं, एंट्री गेट से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है ये। ऊपर जो आपको पीछे दिख रहा है झरना है, ये झरना यहाँ से होते होते फिर ये इधर जाते हैं, बंदे नहा रहे हैं। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, कांप रहा हूँ अभी इसमें। एंड भाई चैनल को भाई सब्सक्राइब करना, जो भी बंदा नया देख रहा है। ये हमारी बाढ़ गंगा है, यहाँ से नहा के अर्धकुमारी के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे एक एमपी वैष्णो ढाबा है जहाँ पे हम रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। 80 रुपये की थाली है जिसके अंदर दाल चावल चार रोटी कड़ी भी है जो आपको मिलने वाली है। रस्ते में ही अभी पहुँचे नहीं अर्धकुमारी, पहुँचने वाले हैं। ये दो भाई हम हैं और एक भाई ये है। चलो पहुँच के दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, फाइनली अर्धकुंवारी पे आ चुके हैं। भीड़ देखो, कुलदीप तेरा नेट चल गया होगा, देख अब मेरे यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। मैंने चला दिया आपका हॉटस्पॉट ऑन कर रखा है मैंने, बट यहाँ गर्भ गुफा का हम लोग पर्ची लेने जा रहे थे तो पता चला कि 24 घंटे बाद नंबर आने की संभावना है। ये दोनों सोते हुए ये देखो, जो नीचे गाड़ियाँ चल रही वहाँ से हम लोग आए थे। मौसम कते जहरीला मौसम हो रही होती है। आपका भगवती भवन है, यहाँ पे धर्मशाला ही है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, अभी तो इनको मैं उठाऊंगा, मैं ये सोएंगे थोड़ी ना अभी। कड़ी चावल मिल रहा है, खा लेते हैं कड़ी चावल। अब जा रहे हैं हम लोग मंदिर के लिए। तो गाइस दर्शन वर्शन कर लो आप लोग भी, कमेंट में ज़रूर लिखना जय माता की, जय वैष्णो माता की।
सब देखना एंड भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। बस चले जा रहे 1 किलोमीटर आगे अर्धकुमारी से, सोचा वीडियो में थोड़ा अपडेट दे दें। देखो चढ़ाई अपनी कंटिन्यू है, कार्य प्रगति पर है। और यहाँ से गाइस नीचे का नज़ारा, ये तो खैर ठीक है, नीचे का नज़ारा देखो आप भाई, क्या ही सुंदर नज़ारा है भाई। चलो भवन पहुँच के आपको दिखाते हैं भाई, यहाँ का सीन देखो भाई, हम लोग भवन आ चुके हैं। यहाँ का सीन देखो, पहाड़ों के ऊपर बादल, भीड़ देखो, भवन की भीड़ है, बादल देख के दिल खुश हो गया भाई। ऐसे भवन है भवन, बस यहाँ का ये देख के मजा लग रहा है, भीड़ तो कर है बट बाहर जो बादल चल रहे ना उसका मजा अलग है। बंटी और बाबूलाल, चलो आगे चलते हैं। तो कह सको भवन तो हम लोग आ चुके थे 5:30 बजे, बट यहाँ पे रात हो गई क्योंकि यहाँ पे आरती हो रही है, इसलिए दर्शन मेरे ख्याल से स्टार्ट होंगे 8 बजे के बाद से। दर्शन 8 बजे के बाद से स्टार्ट होंगे, बस खड़े हैं अपना कि कब नंबर आ जाए। आपको मैं पीछे का सीन दिखाता हूँ, पीछे का मतलब क्या ही सुंदरता है इस टाइम पर। तो गाइस ये समझ रहे, भवन के जस्ट सामने का फ्रंट है जहाँ पे हम लोग नहाते हैं। देखो बंदे नीचे नहा रहे हैं, मैं भी इस टाइम नहा चुका हूँ, जगमगा रहा है बिल्कुल भवन। अब यहाँ से निकलूँगा मैं, यही समझ लो दर्शन करने के बाद बच जाएंगे 10, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बजने ही बजने हैं। इस टाइम 6:20 हो रहे हैं इस टाइम पे, 10 तो यहाँ पे बजने ही बजने हैं 10। जैसा गाइस एक बार ना कमेंट के अंदर जय माता दी जरूर लिख देना, एंड जय वैष्णो माता दी लिख देना यहाँ पे। अब मैं जा रहा अपना फ़ोन लॉकर में जमा करने, और जब दर्शन हो जाएंगे उसके बाद मैं आगे की वीडियो को कंटिन्यू करूँगा मैं। तो आगे की वीडियो रहेगी भैरव बाबा की, भैरव बाबा जो हम पैदल चढ़ाई करेंगे रात में। कल हमारी दोपहर की 3:30 बजे की हमारी ट्रेन है जम्मू मेल दोबारा आने की। तो दर्शन करने के बाद दोबारा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बने रहना गाइस। तो गाइस फाइनली माता वैष्णो के दर्शन हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा बाय स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से। भाई बंधु परेशान हताश, हालत खराब। आई एम फाइन, दे आर बैड। अब तो मैं मशीना दिखाता हूँ, यहाँ से खींचना पीछे लगना। हाँ सेल्फी लेनी क्या? तो गाइस ये भैरव बाबा की सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम लोग जाएंगे। अप्रोक्स 2 किलोमीटर है जीने, यहाँ पर जीने का रास्ता है। सर चलो हालत बिल्कुल ख़राब होने वाली है आगे भी, होपफुली। भाई प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस वीडियो, आई एम लुकिंग योर सपोर्ट गाइस। तो गाइस देखो फाइनली मैं वैष्णो देवी पर आ चुका हूँ मैं। ये जो आप पीछे मेरे टेंपल देख रहे हैं, आपका वैष्णो देवी का ही टेंपल है। और मेरे को आते आते यहाँ पर लग गया 1.5 घंटा लग गया भवन से, मेरे को 1.5 घंटा लग गया यहाँ पे आते आते। करीब 800 सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, और सीढ़ियों से आए हैं हम, 800 सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी। चलो मैं आपको पीछे का इसको दिखाता हूँ, पीछे मतलब कैसे दिखता फ्रंट से। गाइस ये हमारा भैरव बाबा मंदिर है, ये बैक वाले कैमरे से आप देखो, भीड़ देखो यहाँ पे भी। इस टाइम रात के बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, तो ये हाल है, सोचो 1:30 बज रहे हाल है। और वहाँ देखो वो जो जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पे कितने बंदे इस टाइम सो भी रहे हैं। अब बस तो गाइस मेरा व्लॉग यहीं पे ख़त्म हो चुका है, मिलते हैं भाई किसी और नेक्स्ट व्लॉग में।
आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।